दोस्तों, इस कोरोना ने न जाने कितने लोगों के रोज़गार छीन लिए, लेकिन हौसला न छीन सका। आइए हम मिलते हैं ऐसे परिवार से जो अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। मेरा नाम कैलाश नवले है, ये मेरी वाइफ है वीना नवले, नमस्ते। मेरी मम्मी है वत्सला बाई नवले, और ये मेरे दोनों बच्चे हैं हाय अभियान एंड मैदान। तो मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पिछले 5-6 सालों से मैं आइसक्रीम का बिजनेस रन कर रहा था, कांदिवली महावीर नगर से चिलर्स आइसक्रीम, लाइव आइसक्रीम काउंटर्स। शॉप खुल गई, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आने लगा, काफ़ी वाह वाही हुई, लोगों से मतलब अप्रिसिएशन भी मिलने लगा कि कुछ अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। बिकॉज नॉर्मल आइसक्रीम से अलग सा आइसक्रीम हम दे रहे थे, लाइव आइसक्रीम फ्रेश फ्रूट की, और वो आइसक्रीम भी नूडल के शेप में आती थी, तो अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे उस काम को। और साथ में दो और वर्कर थे, उनका भी घर चल रहा था। इवेंट्स जो होते हैं इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, धीरे धीरे कॉलेज शोज भी करने लगा था। तो धीरे धीरे धंधा बढ़ोतरी की तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से ही सारा कुछ रुक गया, कोरोना ने सब कुछ बंद करवा दिया। मतलब किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हमारा बिजनेस भी बंद हो गया और लॉकडाउन चालू हो गया। पहले लगा कि अभी चालू हो जाएगा, अभी खुलेगा लॉकडाउन, अभी खुलेगा, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा था। और वैसे हमारी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बिजनेस बंद था और कुछ पैसा भी नहीं आ रहा था, खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे थे और इनकम का तो कुछ सोर्स ही नहीं था। फिर एक दिन हम लोग ये सोचने लगे कि क्या करें क्या करें, तो फिर इन्होंने एक दिन बोला कि चलो। वही हम सोच रहे थे कि जैसा मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनी है, आत्मनिर्भर बनी है, तो बहुत सोचा इस बारे में, काफ़ी डिस्कस की हमने आपस में, बच्चों से बात की, दोस्तों से बात की, फ़ोन तो चालू था, सबसे सलाह मशवरा कर रहे थे, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। क्योंकि ये पता था कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है,
वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो अब इस वक्त खाना भी लोग कहाँ से खाएंगे, सब अपने घर में पका रहे, अलग अलग डिशेज बना रहे। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो काफ़ी दिनों से लोगों ने नहीं खाया। लेकिन दिल में कहीं तो एक डर था कि क्या लोग खाएंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ तो हर कोई अवॉइड कर रहा था। इसलिए हमने ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम शुरुआत करके देखते हैं, अगर चल चुका, लोगों ने ले लिया तो ठीक है, नुकसान क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर नहीं बिका तो घर में खा लेंगे, बच्चे हैं, हम हैं, थोड़े से शुरुआत करते हैं, कोशिश तो करके देखते हैं। हमने दोस्तों में और हमारे कॉम्प्लेक्स में जितने भी ग्रुप हमारे थे, सोसाइटी का ग्रुप था, कॉम्प्लेक्स का, फेडरेशन का ग्रुप था, अलग अलग जो मेरी वाइफ के ग्रुप्स थे, फ्रेंड सर्कल्स के, उसमें ऐड देना चालू कर दिया। इस तरह से जो शुरुआत हुई, पहले दिन कुछ कम ऑर्डर आए, अगले दिन फिर हमने कोशिश की और थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा। ऐसे अलग अलग कुछ कुछ वैरायटी हम शुरू करने लगे, लोगों को टेस्ट पसंद आने, तो लोग ही हमें सजेशन देना चालू कर दिए। सबसे पहले वड़ा पाव चालू किया, फिर धीरे धीरे और सब कुछ चालू किया थोड़ा थोड़ा, और भी बार में हेल्प भी करने लगा डिलीवरी के लिए। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, तब से मम्मी सब बनाना शुरू करती है, तो फिर बाद में पैकिंग वैकिंग में हेल्प करने लगा मैं। तो वो भी अच्छा काम चला है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे बेटे का काम अच्छा चालू है अभी। तो हम लोग जरा पैसा आता है तो ज़रा अच्छा लगता है ना काम करने के लिए, तो खुश है हम लोग। मैं पहले हाउस वाइफ ही थी, लेकिन मुझे भी मतलब था मेरे दिमाग में कुछ तो करना है, ये करना है, लेकिन क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। और दूसरा तो कुछ कर नहीं सकती, खाना तो मतलब सभी बोलते थे कि अच्छा बनाती है। त्योहारों में भी मैं अड़ोस पड़ोस में मैं देती थी, तो वो लोग भी बोलते थे कि तू जो भी कुछ बनाती है अच्छा बनाती है, जैसे कि पूरन पोली हो गई, दिवाली में जो बेसन के लड्डू बनाती थी वो भी मतलब अच्छे बनते हैं, ऐसे बोलते थे लोग। और कभी कभी ये भी इनके दोस्तों के यहाँ पे मेरा चिकन बना के लेके जाते थे, तो वो भी मतलब बोलते थे कि अच्छा बनाती है। तो ऐसे तो मेरे दिमाग बार में बार बार उनकी तरफ से फरमाइशी होती थी कि हमेशा चिकन आपकी वाइफ की तरफ से बना के लाओ, तो अच्छी वाहवाही जो मिलने लगी, तो ये कहीं ना कहीं पता था कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो लोगों को पसंद आता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये पसंदगी जो है इसको हम अपनी ताकत बनाएं और इस ताकत को इस्तेमाल करें कहीं पर। हालांकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, कि क्योंकि घर में जो खाना पकता था 4 या 5 लोगों के क्वांटिटी के जितना बनाते थे, लेकिन जब लोगों के लिए बनाया जाए, धंधे के लिए बनाया जाए, तो उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उतना मैनेज करना थोड़ा सा ये इसकी खासियत है कि इसने सीखा वो और अपनी तरफ से मेहनत करके उसने वो टेस्ट मेंटेन रखी, वो बरकरार रखा, और वही टेस्ट आज भी सबके जुबान पर जा रही है। भले वो 1 प्लेट की हो, 2 प्लेट की हो या 10 प्लेट हो, आज लोग क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, हमारे हर एक चीज़ का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी टेस्ट कहीं ना कहीं इन्होंने मेंटेन की है। तो वो जो है ना, वो इनकी खासियत है, ये आज मेरी ताकत बनी हुई है कि घर वालों का सबका जो सपोर्ट मिलता है ना, तो अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इससे पहले मैं कई बार मोदी जी सुनते थे आत्मनिर्भर बनी है, आत्मनिर्भर, लेकिन वो निर्भर किस तरह से बना जाता है और क्या करना पड़ता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि यही करना पड़ता है, लेकिन हर कोई अपने मुताबिक जो जिससे बन पाया, तो हमसे ये बन पाया, हमने इसमें कोशिश की, बच्चों का सहयोग मिला मुझे, वाइफ का सहयोग मिला, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई और हमारा अपना बिजनेस आगे आ गया। और हमने इसको नाम भी दिया घरचित सव, मतलब घर का जो हमारा जो टेस्ट है उसी को हम बरकरार रखते हुए, हम होटल के टेस्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, हम हमारी चीज़, हमारी जो टेस्ट है वो लोगों को खिलाना चाह रहे हैं। हमारा दिन की शुरुआत जो होती है सुबह के नाश्ते से, हर रोज़ हम कोशिश करते हैं कुछ अलग अलग नाश्ता बनाएं, जैसे कभी कांदा पोहा बना दिया, कभी उपमा बना दिया, कभी इडली बना दिया, कभी उत्तप्पा बना दिया, कभी शीरा बना दिया, ये नाश्ते का हो गया। नाश्ते के बाद फिर खाने का आता है, तो खाने की शुरुआत हो जाती है, उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है, रोटी, सब्जी, इवन हम भाकरी भी बनाते हैं, भाकरी जैसे चावल की भाकरी है, क्योंकि बींग महाराष्ट्र में हमारे भाकरी बहुत अच्छी बनाई जाती है, और मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी भाकरी बनाती है, मम्मी भी बहुत अच्छी भाकरी बनाती है, जैसे बाजरे की भाकरी है, चावल की भाकरी है, नाचने की भाकरी है, ज्वारी की भाकरी है, चपाती तो बनती ही है घर में, तो वो तो है ही है, लेकिन साथ में इसका भी एक सपोर्ट मिल गया, लोगों को भी ये भाकरी पसंद आने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, अब जो माहौल था धीरे धीरे खुलने लगा, लॉकडाउन का जो दौर था वो हल्के हल्के ख़त्म होने लगा, लोगों को बाहर निकलने की परमिशन मिल गई, हम भी बाहर निकलने लगे। लेकिन इसका एडवांटेज हमें इस तरह से मिला कि हमारे चर्चे बाहर लोगों के थ्रू जाने लगे, माउथ पब्लिसिटी होने लगी, और यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर तो आते ही थे, अब उनके चर्चे से बाहर निकले तो बाहर से भी उनके दोस्त है या कोई पहचान वाले हैं, तो
तो उनके थ्रू उनके ऑर्डर्स भी हमें आने लगे। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना शुरू हो गया। अब ये सिलसिला है कि हम कॉम्प्लेक्स के अंदर तो डिलीवरी करते ही है, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कुछ लोगों के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं, भले मजबूरी में कहो या माहौल की वजह से कहो। हमने शुरुआत तो एक अलग की है, चाहते हुए ना चाहते हुए, लेकिन आज मज़ा आ रहा है। जैसे हमने अपना काम शुरू किया है, वैसे आप अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढिए, अपने परिवार से बात कीजिए। जिस तरह से हमारी जिंदगी आगे चल पड़ी है, वैसे यकीनन आप भी हमारी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हो।